अगर दोस्तों आपके पास सैमसंग का मोबाइल है तो सैमसंग के मोबाइल के अंदर जो भी आपके फोटोज वीडियोस को अगर आप अपने पेन ड्राइव के अंदर ट्रांसफर करना चाहते हो तो वो कैसे करेंगे इस वीडियो के अंदर जानेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मोबाइल के अंदर जो भी अपनी OTG के साथ अपनी पेन ड्राइव को अपने मोबाइल से अटैच कर देना है, जैसे कि मैंने कर दिया। करने के बाद देखिए दोस्तों ऊपर यहाँ पर एक निशान आ जाएगा, कुछ इस तरीके का एरर आ जाएगा, जैसे कि देखिए दोस्तों ये चार्ज करने के डिवाइस USB, तो इस तरीके का कुछ ऑप्शन आ जाएगा। इस ये ऑप्शन आने के बाद आपको पता चल जाएगा कि जो भी आपकी OTG के साथ अपने पेन ड्राइव को अंदर अपने मोबाइल के अंदर डाला है तो वो यहाँ पर बता दिया जाएगा। बताने के बाद देखिए दोस्तों आपको कोई भी फोटो या फिर वीडियो को अपने पेन ड्राइव के अंदर ट्रांसफर करना चाहते हो तो दोस्तों आपको क्या करना है, अपने फाइल मैनेजर को ओपन करना है, जैसे कि इस तरह का फाइल आपकी माई फाइल्स या फिर कोई भी ऑप्शन होगा फाइल्स का उसको ओपन करना है, ना कि बल्कि दोस्तों कुछ लोग क्या करते हैं कि दोस्तों यहाँ पर जो भी अपनी फोन गैलरी को ओपन करते हैं, फोन गैलरी को ओपन नहीं करना है दोस्तों, आपको अपनी फाइल्स को ओपन कर देना है। जैसे कि मैंने मेरे मोबाइल के अंदर फाइल्स को ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद देखिए दोस्तों कोई भी अगर आपको अपने पेन ड्राइव के अंदर अपने फोटोज़ को डालना चाहते हो तो आपको क्या करना है, इसके ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जो भी आपका इमेज है वो इस यहाँ से अपना जो भी इमेज है एक बार इमेज ले लेना, जैसे कि मैं कोई भी एक इमेज यहाँ से ले लिया। लेने के बाद देखिए दोस्तों आपको यहाँ क्या करना है कि दोस्तों यहाँ पर जो कॉपी का ऑप्शन आ रहा है इसके ऊपर क्लिक कर देना है, इसको यहाँ से कॉपी कर देना। कॉपी करने के बाद देखिए दोस्तों आपको बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर एक नीचे एक USB स्टोर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आपको एक बार क्लिक कर देना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे दोस्तों तो यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर जो भी अपना USB है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर ये कॉपी हेयर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक दोस्तों तो जो भी आपका वो फोटो था वो अपने पेन ड्राइव के अंदर आ चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने किसी भी फोटो को अपने मोबाइल से अपने फोन से अपने USB के अंदर ट्रांसफर कर सकते हो, यानी कि दोस्तों पेन ड्राइव के अंदर ट्रांसफर कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक कर देना और आने वाली हर वीडियो की जानकारी के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना।